एयर फास्ट न्यूज की सारी वीडियोस होंगी आपकी एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कलांवाली से हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता निर्मल सिंह मरड़ी के जननायक जनता पार्टी में शामिल होने पर पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा को बड़ा झटका लगा है। जननायक जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला निर्मल सिंह मरड़ी के निवास स्थान पर पहुंचे और जेजेपी में शामिल करते हुए पार्टी का झंडा थमाया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के गांव मलड़ी में पहुंचने पर निर्मल सिंह मलड़ी व उसके सैकड़ों साथियों ने जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी ने जनता से झूठे वादे कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन न तो युवाओं को रोजगार मिला और न ही प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी का जानादार दिनों दिन बढ़ रहा है और आने वाले समय में प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा। वहीं इशारों ही इशारों में अजय चौटाला ने कलांवाली से निर्मल मलड़ी को टिकट देने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे कामना करते हैं कि मलड़ी जैसे युवा चेहरे दुष्यंत की टीम में चंडीगढ़ विधानसभा तक पहुंचेंगे। पिछले 15 साल से झेली है, उन्हां तों आपां नूं मुक्ति दिलवावे। एक नया हरियाणा प्रदेश, नई सोच ते नए जोश दे नाल मिले आपां नूं। इस तरह के नौजवान दुष्यंत की टीम के मैंबर बन के चंडीगढ़ पहुंचन, ये परमात्मा अगे अरदास करना। बुजुर्गों तो नौजवान दोस्तों, अज जिस तरह के हालात अते परिस्थितियां है वो थोड़े सामने है, कोई मेरे दसन की लोड़ नहीं। तुसी सारे भुगत भोगी जेडे लोग आज सत्ता च बैठे है, उन्होंने बड़े बड़े सबज बाग आपां दिखाए सी, तरह तरह के प्रलोभन दिते, जुमले छड़े, पता नहीं की गल्लां कीती, ते निरंतर उही सिलसिला उन्हां दा चली जांदा है। सबका साथ सबका विकास, विकास दे नाते कोई रेंट लगी है किते तां दसो, किसी नौजवान नूं रोजगार मिले तां दसो। मतलब सीधी सीधी झूठ बोल के आपां नूं ठगण दा कम इन्होंने किया है। इस जींद जिहड़ा उपचुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, यह चुनाव सेमीफाइनल है। यह सेमीफाइनल जिहड़ा जीतदा है गोल्ड मैडल फाइनल च जाके वही लै। जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए निर्मल सिंह मलड़ी ने कहा कि वह हलोपा को छोड़कर जेजेपी में शामिल हो चुके हैं। युवा सांसद दुष्यंत चौटाला और ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चल रही पार्टी से प्रभावित होकर वह जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और असी यही देखना चाहते हैं कि दुष्यंत जी को असी चंडीगढ़ लेके जाइए, एक अच्छा इंसान इस हरियाणा नूं मिल सके, और जो कि लोगों की सेवा भावना दे नाल, जो लोगों की सेवा भावना लोगों के अंदर है, उन्होंने सेवा भावना से खरे उतरन, क्योंकि नौजवान युग अज दुष्यंत जी को अगे लेके जा रहा। मैं समझदा कि जेजेपी पार्टी बाद चे, सब तो पहला जेजेपी जिहड़ी है वह चौधरी देवी लाल जी की विचारधारा गी, जिन्हों असी अगे ले जाने का काम करांगे और सेवा करांगे। लोगों को बिल्कुल कहने का मतलब अलविदा है जी, और मैं अजय चौटाला जी की आज मौजूदगी जेजेपी ज्वाइन की है, और मैं समझदा कि ना कि युवा टीम के नाल, युवा जोश, युवा दुष्यंत जी के नाल चलन का प्रयास कर रहा, और असं बीजेपी के नाल है, तरों मनों तरों सारों अज मैं बीजेपी विश्वास जताया है, और मैं समझदा बहुत बहुत बड़ा इस कदम कुछ। आज दुष्यंत जी है जो युवा है, युवा को पूरा हरियाणा यही चाहता है कि युवा आगे आए। मैं युवा होने के नाते दुष्यंत जी का साथ दिया, क्योंकि हम युवा साथ देंगे तो ही युवा आगे बढ़ेगा और हरियाणा आगे बढ़ेगा, तभी तो, नहीं तो सभी घिसे पिटे चेहरे और घिसे पिटे रहेंगे। अब क्या है जी, सभी चले हुए कारतूस है, कुछ नहीं है, नया कुछ करने जा रहे हैं, नया हरियाणा बनाने जा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि निर्मल सिंह मलड़ी की कलांवाली में अच्छी संगठित टीम है। वहीं विधायक बलकौर सिंह के जेजेपी में शामिल होने के बाद यू टर्न लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्य विधायकों की तरह बलकौर सिंह भी उनके साथ हैं। नौजवान है, एनर्जेटिक है और निरंतर आपके बीच में मजा रहता है, बाकी एक एक आदमी के साथ जुड़ने से भी फायदा होता है। उनके पास तो पूरी एक संगठित टीम है, पूरे कलांवाली विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करता है। चौटाला जी, दो दिन पहले भी कलांवाली हलका के विधायक बलकौर सिंह जी ने आपके साथ ज्वाइन किया था, लेकिन उन्होंने कल यू टर्न कर लिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? यू टर्न नहीं किया, उन्होंने उनके सामने मेंबरशिप की बात का कंफ्यूजन था, तो मेरी कल भी उनसे बात हुई है, आज भी वो जींद में है,
वो जिस तरीके से इनेलो के तीन विधायक नैना चौटाला, अनूप धानक और हमारे राजदीप फोगाट जिस तरीके से जेजेपी के साथ है, उसी तरह वो भी जेजेपी। कांग्रेस ने एक बड़ा चेहरा वहां रणदीप सुरजेवाला अपना उतारा है और सभी कह रहे हैं कि एक बड़ा चेहरा है रणदीप सुरजेवाला, कहीं ना कहीं टक्कर देने का काम करेगा। बड़ा चेहरा तो निश्चित तौर पे है ही, जब राजीव गांधी राहुल गांधी की टीम में है वो जी, पर लोगों में कितना खरा उतर पाएंगे वो तो देश की जनता बताएगी। यहाँ बता दें कि निर्मल सिंह मलड़ी हलोपा के बड़े नेताओं में शामिल थे और 2014 में विधानसभा चुनावों में कालांवाली सीट पर उन्होंने करीब 16,000 वोट हासिल किए थे। निर्मल सिंह मलड़ी का कालांवाली में अच्छा जनाधार है। मलड़ी के शामिल होने पर जेजेपी को जनाधार बढ़ाने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। कालांवाली से रेशम सिद्धू की ब्यूरो रिपोर्ट, केएल फास्ट न्यूज़।